जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब वैसे तो बड़े बड़े कारनामों के लिए जाना जाता है। सऊदी अरब का एक और मेगा प्रोजेक्ट, जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब यह देश जो पानी की किल्लतों से जूझता है, यह देश बना रहा है रेगिस्तान में सबसे लंबी नदी। हमारे आपके सोचने में तो यह एक मजाक लग रहा है, लेकिन जी हाँ दोस्तों, यह सच है कि सऊदी अरब बना रहा है रेगिस्तान में एक नदी। जी हाँ दोस्तों, एक आर्टिफिशियल नदी जिसकी लंबाई नील नदी से भी लंबी होगी। एक ऐसी नदी जिनके पाइपों को फोल्ड करा जाए तो वह पृथ्वी के कई चक्कर लगा सकती है, और इस नदी के बनने के बाद सऊदी अरब की किस्मत बदल सकती है। आइए जानते हैं सऊदी अरब ये कारनामा कैसे कर पा रहा है और इसके पीछे उसकी कितनी मेहनत जाया होगी और इससे सऊदी अरब कैसे दुनिया का चेहरा बदल सकता है। दोस्तों, रेगिस्तान में खेती करने की तकनीक काफी पहले से चली आ रही है, लेकिन वहाँ भी खेती करने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन बात करें सऊदी अरब की, यूं तो सऊदी अरब तेल के मामले में बड़ा किस्मत वाला है, लेकिन पानी के मामले में उसके पास कुछ नहीं आया। एक वक्त था जब सऊदी अरब के पास ऑयल रिसोर्सेज से उतना पैसा नहीं आता था और वहाँ की पूरी इकोनॉमी नेचुरल वाटर पर ही निर्भर थी, और उस समय सऊदी अरब की बहुत बेकार स्थिति थी। लेकिन उसके बाद आया तेल का डेवलपमेंट। तेल का डेवलपमेंट आने के बाद सऊदी अरब ने सबसे पहले पानी की किल्लत दूर करने की सोची। हमारे देशों में पानी कुछ ही फीट खोदने पर निकल आता है, लेकिन सऊदी अरब में ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ तो बरसात का पानी ग्राउंड में चला जाता है, जिसके कारण हमारे देश में बाहर वाटर लेवल मेंटेन रहता है, लेकिन सऊदी अरब में ऐसा नहीं होता। ऐसा ना होने की वजह वहाँ पर बारिश ना होना। लेकिन जब सऊदी अरब को काफी गहराई में पानी का पता चला तो उसने वहाँ पर वाटर प्लांट लगाया और पानी का ताबड़तोड़ इस्तेमाल करने लगा। और जब सऊदी अरब को पानी मिला तो उसने खेती करने की सोची। और दोस्तों, शुरू शुरू में वहाँ के लोगों ने पानी का जमकर इस्तेमाल किया, चाहे वो खेती में ही क्यों ना हो। और इन सब चीजों के बाद सऊदी में ग्राउंड वाटर की कमी आ गई। इन सभी को देखते हुए साथ साथ सऊदी अरब ने पानी का प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करने लगा और उन्होंने वहाँ के लोगों को गेहूं की खेती करने पर रोक लगा दिया, क्योंकि गेहूं की फसल काफी भारी मात्रा में पानी कंज्यूम करती थी। इन सब के बाद सऊदी अरब ने सोचा, हम ज्यादा दिन तक इस तेल पर निर्भर नहीं रह सकते, हमें खेती करनी होगी। और इसके बाद सऊदी अरब ने दिमाग लगाया और सोचा कि हम एक ऐसी नदी का निर्माण करते हैं जो नील नदी से भी लंबी होगी और सऊदी अरब के हर इलाकों तक पानी पहुंचाएगी। इसके लिए वहां के गवर्नमेंट ने अंडरग्राउंड नदी बनाने की सोची, क्योंकि दोस्तों, अगर नदी ओवरग्राउंड होती तो नदी का आधा से ज्यादा पानी भाप बनकर उड़ जाता और उसका काफी नुकसान होता। ऐसी स्थिति में बिना जंग लगे पाइप का इस्तेमाल करके 11 मीटर चौड़ी और 12,000 किलोमीटर लंबी नदी बनाने की ठान ली। दोस्तों, यह नदी बनने के बाद यह दुनिया की सबसे लंबी नदी होगी और यह नदी 9 लाख क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी पर डे प्रोड्यूस कर देगी और वहाँ के हर इलाकों तक पहुँचाएगी। और सऊदी अरब पूरे रेगिस्तान को लहराते खेतों में बदलना चाहता है और इस काम में यह रिवर मदद करेगी। दुनिया के सबसे बड़े इस प्रोजेक्ट में, जिसमें समुद्री पानी को मीठा पानी बनाया जाएगा और पूरे देश के पॉपुलेशन तक पहुँचाया जाएगा, और इन सब चीजों के लिए सऊदी अरब जोरों शोरों से तैयारी में है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं तब तक की और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अंत तक रुकने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।